सब्सक्राइब करें एसएस कोचिंग चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम बैक टू एसएस कोचिंग फ्रेंड्स, हम आपके लिए इस वीडियो में एक और नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये सीआरपीएफ में जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड है। नोटिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले हम ये कहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम कोई फ्यूचर में अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो हम वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो करेंगे सीआरपीएफ की। ये देखेंगे आप, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस छत्तीसगढ़ में ये रिक्रूटमेंट निकली है। ये जो 139 वैकेंसी है यहाँ पर, जनरल ड्यूटीज 103 वैकेंसीज है और कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन की 36 वैकेंसीज है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज आई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में किस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज है, वहाँ यहाँ पर ये नाम दिए हुए हैं, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और कहाँ पर इनका ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा जो इन्होंने नीचे दिया होगा वो भी हम आपको दिखा देंगे, फिल करके भेजना है वो। ये इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, डेट एंड टाइम यहाँ पर आप देख लेंगे दिया हुआ है। और तो चलिए आगे जो इसमें बात करते हैं वो करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज की। तो इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर अपनी डिक्लेयर की है, यहाँ पर आप देखेंगे ये टोटल दी हुई है मेल फीमेल की 103 वैकेंसीज, जो कि अभी हमने आपको बताई थी जनरल ड्यूटीज़ के अंदर, और यहाँ पर ट्रेडमैन की वैकेंसीज। तो यहाँ पर ये देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने वैकेंसीज अपनी शो की है मेल फीमेल की, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज इन्होंने दी है। अब मेन यहाँ पर निकल के रहता है कि ये जितनी भी वैकेंसी है ये एसटी कैटेगरी के लिए है, इसमें जनरल ओबीसी एससी वाले इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ आप देखेंगे छत्तीसगढ़ एसटी कैटेगरी छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके लिए ये वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो फॉर्म फिल करने से पहले ये बात ध्यान रखें एसटी वाले बच्चे कि उन पर छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल हो। और यहाँ पर हम सैलरी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो पे ग्रेड है इनका 2000 का पे ग्रेड है, तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। एज लिमिट की बात करें फ्रेंड्स, एज लिमिट जो दी है, जो भी 18 से यहाँ पर 28 साल तक के बच्चे एलिजिबल होते हैं वो इन सबको फिल कर सकते हैं। और 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन होता है एससी एसटी का वो भी यहाँ पर अप्लाई होगा। तो अगर एज लगा ली जाए तो 18 से लेकर 33 साल तक के बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे, जो इसे फिल कर सकते हैं वो फिल कर सकते हैं 18 से 23 तक। इन्होंने वहाँ जो पीछे पूरी एज दी है 18 से 28 वो इसलिए दी है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 5 साल अपने इंक्लूड कर दिए हैं। आप जैसे कि यहाँ देखेंगे 23 प्लस 5 28 ईयर, तो एसटी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर ले तो मेल्स के लिए 153 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 140.5 सेंटीमीटर है। और एफिशिएंसी की अगर यहाँ पर बात कर ले, जो कि उनका फिजिकल टेस्ट रहेगा वो रहेगा 5 किलोमीटर दौड़ना होगा उन्हें 24 मिनट में, और 8.5 मिनट में जो उन्हें दौड़ना है वो 1600 मीटर दौड़ना होगा। यहाँ पर 1 माइल्स, काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं 1 माइल्स, 1 माइल्स क्या है? 1 माइल्स का मतलब ही फ्रेंड्स ये होता है, 1600 मीटर को हम 1 माइल्स कहते हैं। और यहाँ पर अगर ट्रैकमैन के लिए फिजिकल की बात करें तो 1600 मीटर दौड़ना है 10 मिनट में, और फीमेल की अगर बात करें तो उन्हें 1600 मीटर की जो रेस माननी है वो माननी है 12 मिनट में। तो चलिए इसमें और आगे की खास बात देख लेते हैं जो हमारे काम की रहने वाली है, मतलब कैंडिडेट्स के काम की बात रहने वाली है, वो सब इसमें देख लेते हैं। ये आप देखें यहाँ पर पूरा इन्होंने फुल एड्रेस दिया हुआ है, जैसे बीजापुर हो गए, बीजापुर का फुल एड्रेस हो गया, तो इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी ट्रेडमैन है, बारबर और वाशरमैन, सफाई वाला, वाटर कैरियर, इन सब की वैकेंसीज होती है ट्रेडमैन के अंदर, तो ये सब फिल कर लेंगे। यहाँ पर मेडिकल होगा, और यहाँ पर अगर हम देख लिए तो इन्होंने
जो यहाँ पर एग्ज़ाम की बात कर ले अगर रिटन स्किल टेस्ट की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में 100 वर्ड उन्हें उससे रिलेटेड ये लिखने होंगे। तो यहाँ पर आप परफॉर्मा देख लेंगे, या तो आप इस परफॉर्मा को खुद से बना सकते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में टाइप करके, या फिर आप इसे शॉप पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप इजीली मिल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बस यही कहते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।